अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर आई है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है सभी सिविक एजेंसीज को कि यमुना फ्लड प्लेन से सारा कंस्ट्रक्शन हटाया जाए जिसमें शाहीन बाग का नाम यहां आता है। ओखला में भी जो फ्लड प्लेन से मतलब पीछे हमारे गलियों के पीछे जो आबादी है उसको हटाया जाए, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ओखला में? ओखला के कुछ लोग जो हराम का पैसा कमाने के चक्कर में हाई कोर्ट जा जाके स्टे ला रहे हैं, बिल्डिंग्स को तोड़वा रहे हैं, उन्होंने इस इलाके को इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि आज यह बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई इनसे बात नहीं करता, समाज इनका बहिष्कार नहीं करता, जैसी की अपील मैं पहले भी कर चुका हूं हमें आगे आना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, ओखला में उलमाए दीन, अकाबरीन, प्रोफेसर्स सब रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मगर आगे कोई नहीं आता, न कोई इस इलाके को बचाने के लिए कुछ सोच रहा है। नेता यहाँ दोस्तों बहुत सारे हैं, अभी कुछ महीने बाद विधायक का चुनाव शुरू होगा, बहुत सारे होर्डिंग के साथ बहुत हजारों नेता मैदान में कूद जाएंगे, मगर इन सब चीजों को लेकर कोई बोल क्यों नहीं रहा, सब खामोश क्यों है? दोस्तों शीला दीक्षित सरकार ने इरेगुलराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करने काम किया था, 895 कॉलोनीज में आपका नाम भी आता है जो अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आती है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट DSIDC और फ्लड डिपार्टमेंट से यहां काम कराता है। ये 2017 का आदेश है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से है, दिल्ली सरकार ने दिया है उसी आदेश के ऊपर जो शीला दीक्षित जी का आदेश था कि बेसिक नेसेसिटीज इरेगुलराइज कॉलोनी को दी जाएंगी जब तक कि इनका कोर्ट में पेंडिंग मसला हल ना हो। तो बिजली पानी हमारा अधिकार है, सड़क हमारा अधिकार है, मगर आज क्या हो रहा है ओखला में दोस्तों, एक मीटर लगवाने के लिए 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, लोग दे रहे हैं, नेता खामोश, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी खामोश, कोई कोर्ट नहीं जाता, हर आदमी दलाल ढूंढ रहा है कोई पैसे देके काम करा ले। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस इलाके में इतने बड़े बड़े काबिल लोग होने के बाद भी, नेता होने के बाद भी हालात बहुत बुरी है। दोस्तों सोचिए, एकजुट हो जाइए, एकता का वक्त, इलाके को बचाना है तो एकजुट हो जाइए, एक साथ बैठिए, एक मंच पे आइए, बात कीजिए और इन सब मसलों को कोर्ट के थ्रू, प्रशासन के थ्रू हल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।